आज की वर्कशीट 5 विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, कक्षा 6 अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। जैसे यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वो तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है। जैसे अगर हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए। त्योहार, बैसाखी, होली, पोंगल, दशहरा, पुष्कर मेला, बीज रोपण, दिवाली, गुड़ी पड़वा, छठ पूजा, ईद उल फितर, लोहड़ी। भाषा, हिंदी, पंजाबी भाषा, तमिली भाषा, राजस्थानी भाषा, त्रिपुरी, मणिपुरी, हरियाणवी, मराठी, उर्दू। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं। शहर के लोग आलसी होते हैं। हाँ, गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं। हाँ, लड़का और लड़की एक समान होते हैं। नहीं, विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, अंग्रेजी लोग बोलने वाले लोग सदैव बुद्धिमान होते हैं। हाँ, तो आज का हमारा वर्कशीट ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।